हे गाइस, आप सबके लिए फिर से एक न्यू स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं अपने फोटो के साथ, वो भी काइन मास्टर के द्वारा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। गाइस, इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग भी अपने काइन मास्टर से इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाने के लिए आपको अपना फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। गाइज, अगर आप लोग भी मेरे तरह एक प्रोफेशनल काइन मास्टर को यूज करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहां से बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। गाइज, आपको ऊपर में मीडिया का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर कोने में सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। गाइज, अब यहाँ पे आपको स्टेटस फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि आप अपना फोटो लगा सकते हैं। तो स्टेटस फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से स्टेटस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना स्टेटस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्टेटस फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है। गाइज, ये स्टेटस फ्रेम का डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अब स्टेटस फ्रेम को फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। इसे फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि स्टेटस फ्रेम फुल स्क्रीन पे सेट हो चुका है। गाइज, अब आपको यहाँ पे अपना एक अच्छा सा फोटो को सिलेक्ट कर लेना है स्टेटस में लगाने के लिए। तो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप अपना एक अच्छा सा फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना एक अच्छा सा फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड टू बैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपना फोटो को जूम करके कुछ इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लेना है। फोटो सेट हो जाने के बाद अब आपको रिंगटोन टेम्पलेट को यहाँ पर लगाना है। तो रिंगटोन टेम्पलेट लगाने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप अपना रिंगटोन टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन पे कर लेना है ताकि देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसे फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। देन आपको रिंगटोन टेम्पलेट को टाइमलाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे ही टाइमलाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। तो आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ नीचे में स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। देन आपको ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, लगभग मेरा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना रह गया है, वह है म्यूजिक। तो चलिए म्यूजिक को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए आपको ऑडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही ऑडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपके फोन के सभी सॉन्ग शो करेंगे। तो यहाँ से आप अपना कोई एक फेवरेट सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। देन ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, फाइनली मेरा स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए एक बार इसे प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं।
आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का स्टेटस वीडियो लाते रहता हूँ।